हेलो गाइस, हाँ वेलकम टू अ चैनल मैथ कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो आप लोगों को बता देते हैं, सीरीज का नाम है इंग्लिश वो कैब, इंग्लिश वो कैब, ठीक है ना। चलो, इसमें हम क्या करते हैं, डेली कुछ इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ते हैं जो आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है आने के लिए, और कुछ पूछते हैं जो भी मैंने प्रीवियस क्लास में कराया होता है, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहला आज का आता है, उसे हम कहते हैं क्या, एरुडाइट, 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 ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि एरुडाइट का मतलब होता है विद्वान, पढ़ा लिखा, इसे कहते हैं स्कॉलर। इसके आपको मुझे तीन और शब्द बताने, सिनोनिम्स एरोडाइट के, ठीक है। चलो, सेकंड हमारे पास आता है आर्डेंट, ARDENT, आर्डेंट। आर्डेंट का मीनिंग होता है, ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड है, मैं बार बार कह रहा हूं। कल एक सब्सक्राइबर ने पूछा था तो मैंने बताया था, मैं दोबारा बता देता हूं कि हम DSSSB और SSC, इनके वो कैब को टारगेट कर रहे हैं। देखो, वो कैब कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो सारे वो कैब कर सकता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना, तो इसे शुरुआत मान के चलो, ठीक है। आर्डेंट, आर्डेंट का मतलब होता है जेलस। ठीक है, नेक्स्ट इज डिजेक्टेड, नेक्स्ट इज डिजेक्टेड। ये वर्ड का आपको मुझे बताना मीनिंग, बिना गूगल करे देखते हैं कितने लोगों को पता है, ठीक है ना। एक वर्ड आता है फिक्सियस, इसका मतलब होता है फॉल्स, मतलब मनगढ़ंत, मतलब खुद बनाई हुई, ठीक है। ओके, ये सारे वर्ड पेपर में आए हुए हैं और आपके सारे काम के, ठीक है ना। बिना काम के तो कराते ही नहीं, ना ही मैं यहां आता, ना ही कोई वजह होती, ठीक है ना। नेक्स्ट, कॉडल। अच्छा, यहां से एक वर्ड आ गई जिसे कहते हैं क्रेडल, स्पेलिंग पता नहीं शायद सही हो। क्रेडल का मतलब होता है पालना, चर्च के बाहर एक क्रेडल लगा होता है, पता हो आपको, जिसमें अगर कोई बच्चा छोड़ के जाता है तो चर्च वाले उन्हें बच्चे को पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब कुछ कराते हैं। कॉडल, कॉडल का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट समथिंग टू मच, टू प्रोटेक्ट समथिंग या समवन टू मच, किसी चीज को हद से ज्यादा या किसी इंसान की हद से ज्यादा प्रोटेक्शन करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है क्लास, इसका मतलब होता है टू होल्ड समथिंग फॉर्मली, मतलब किसी चीज को बहुत मजबूत पकड़ से पकड़ना। इसी के लिए मैंने एक बताया था, याद करो, फोर्ट्रेस, फोर्ट्रेस। इसी से एक शब्द और आता है, आपको पता हो, फोर्टिफिकेशन। पता है क्या होता है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। वो कैब ना एक्चुअल में याद करनी ही नहीं होती है, वो कैब को इंप्लीमेंट करना होता है। और जब जिस दिन आपको ये आदत पड़ जाएगी ना कि आप जो भी आपके आसपास नए शब्द आ रहे हैं उन्हें ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे, तो आप किसी भी वो कैब को इजिली क्रैक कर सकते हो। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है किलेबंदी करना। फोर्टिफिकेशन, ठीक है।
ओके, अगला होता है डर्थ, कमिंग, इसका उल्टा क्या होता है? अबंडेंट, इसका अपोजिट क्या होता है? अबंडेंट। डर्थ को कह सकते हैं लैक ऑफ, लैक ऑफ। तो आपको डर्थ के मुझे तीन सिनोनिम्स बताने और अबंडेंट के भी तीन सिनोनिम बताने, ठीक? ओके, ये वाला बहुत अच्छा, डेबोनियर, DEBONAIR, डेबोनियर। डेबोनेयर का मतलब होता है फ्रेंडली, FRIENDLY, फ्रेंडली। डेबोनेयर मीन्स फ्रेंडली, डेबोनेयर मीन्स फ्रेंडली। ओके ओके, एक वर्ड होता है डेसिफर, डेसिफर, डेसिफर मतलब होता है डिकोड करना, डेसिफर मतलब होता है डिकोड। अच्छा, डिकोड का उल्टा उल्टा आपको पता है एनकोड होता है, डिकोड का उल्टा होता है एनकोड। एनकोड मतलब आपने कोई गुप्त सिग्नल बनाया, गुप्त मैसेज बनाया, दैट इज कॉल्ड एनकोड, उसे मैंने पढ़ा, दैट इज कॉल्ड डिकोड। एनकोड का ही एक वर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एनक्रिप्शन। जिसने भी कंप्यूटर लैंग्वेज थोड़ी बहुत पढ़ी हो, सी, जावा, सी प्लस, वहां पे एनक्रिप्शन वर्ड बहुत यूज होता है, कंप्यूटर में एनक्रिप्शन वर्ड बहुत यूज होता है, ठीक है ना। एक वर्ड आता है क्रुक्ड, क्रुक्ड, एक वर्ड आता है क्रुक्ड, क्रुक्ड का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, बेईमान। कैसे करना होता है वो कैप को, जैसे आपने क्रुक्ड का पढ़ा डिसऑनेस्ट, अब डिसऑनेस्ट के दो सिनोनिम पढ़ो, और डिसऑनेबल बेईमान, अब बेईमान का उल्टा क्या होता है? ईमानदार। तो आपको ईमानदार के भी तीन शब्द पता होने चाहिए, यही तरीका है वो कैप करने का, ठीक है ना। चाहे किसी बुक से करो, किसी ऑथर से करो, किसी टीचर से करो, लेकिन मतलब वही होता है, ठीक है ना। ओके, हम ना बहुत आम भाषा में बहुत चीजें गलत पढ़ रहे होते हैं और वो सही चल रही होती है, क्योंकि कोई गलत बताने वाला होता नहीं है। क्या हो गया इसे? चलो देखो, जैसे आपको पता हम कहते हैं रेलगाड़ी आ गई, तो एक वर्ड होता है रेल, तो रेल का मतलब, सॉरी, रेल, रेल का मतलब पटरी होता है, समझे, रेल का मतलब पटरी होता है, और ट्रेन का मतलब होता है ट्रेन। तो अगर एक वर्ड आता है डीरेल, डीरेल का मतलब होता है पटरी, पटरी, पटरी से गाड़ी का उतरना, पटरी से गाड़ी का उतरना। ओके, एक वर्ड आता है ETCH, इसका मतलब होता है साफ झलकना, साफ झलकना, मतलब क्लियरली। अच्छा चलो, क्लियरली, ठीक है ना। एक वर्ड होता है एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब होता है प्रतिष्ठित, वेल नोन, वेल नोन एंड रेस्पेक्टेबल। क्योंकि वेल नोन तो बहुत तरीके से हो सकता है, आप अपने इलाके में चोरी करते हो तो वेल नोन आप भी हो, लेकिन एमिनेंट का मतलब होता है प्रतिष्ठित। अब आते हैं आई एंड पी पे, आई एंड पी पे, ठीक है ना। मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत काम आने वाला है सब, और कहीं से तो स्टार्ट करना ही है, कहीं से तो स्टार्ट करना ही है। तो पहला आई एंड पी में सबसे पहला आता है, दैट इज कॉल्ड फैबियन पॉलिसी, फैबियन,
आइए फैबियन पॉलिसी, फैबियन पॉलिसी इसका मतलब होता है स्लो पॉलिसी, मतलब ऐसी पॉलिसी, ऐसी कोई कार्य जो बहुत धीमा हो। नेक्स्ट इज गाला डे। गाला डे मतलब सेलिब्रेशन। तो हमने तो ऐसे याद करा था कि गाला डे, गाना डे, गाना डे। गाना कब गाता है इंसान? जब खुश होता है। तो गाला डे खुशी का दिन, गाला डे खुशी का दिन, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट इज निग नैग। निग नैग मतलब लगातार परेशान करना। ठीक, नेक्स्ट लेम एक्सक्यूज। इसे तो याद करने का बहुत आसान तरीका है, वैसे इसका मतलब समझ लेते हैं। लेम एक्सक्यूज मतलब फॉल्स एक्सक्यूज, फॉल्स एक्सक्यूज या फिर बेसलेस एक्सक्यूज, मतलब ऐसा बहाना जो यकीन ना करा जा सके, जो साफ दिख रहा हो कि झूठा हो। तो आपके ग्रुप में, आपके दोस्त में, आपके घर में कोई ना कोई बहुत बहानेबाज होगा। जब भी कोई वो बहाना बनाए तो आप सीधा कहो दिस इज लेम एक्सक्यूज, आपको जिंदगी भर याद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मैन ऑफ वर्ल्ड, मैन ऑफ द वर्ल्ड। इसे कहते हैं एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि जो सब जगह घुमा होगा उसे एक्सपीरियंस होगा। इसी को ना अगर समझो जाओ, एक वर्ड होता है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन एक ऐसा इंसान जिसे पूरी दुनिया अपना घर लगती हो। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? बहुत हेल्पफुल होने वाला है। DSSSB में तो होगा होगा, KVS की प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होगा, और किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में। वो कैब थोड़ा चेंज हो रही है, ऐसा थोड़ा है कि SSC के लिए ये वो कैब का मीनिंग चेंज हो जाएगा। हमें बस कवर चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है और आप ऐसे ही पसंद कर रहे हो, ठीक है ना? अगर पसंद आ रही है मेहनत, तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें।